हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए मज़ेदार से वीडियो में। आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के एक ऐसे क्रिकेटर जो अपना खुद के दम पर और कठिन मेहनत की वजह से आज इतना बड़ा एक इंडियन क्रिकेटर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग शायद उनको पहचानते ज़रूर हो, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी बात है जो शायद आप लोग नहीं जानते। क्या अभी तक आपको पता नहीं चला कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद सिराज। और ख़ास बात तो ये है कि मोहम्मद सिराज सर ने इंडियन क्रिकेट टीम में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं, जिसको छोटे से लेकर बड़े हर कोई उनको पहचानता है। और तो और उनका खेल देखना शायद हर एक इंडियन को बेहद पसंद है। और दोस्तों, आज के वीडियो का मकसद ये है कि मोहम्मद सिराज एक बहुत गरीब फैमिली से होने के बावजूद आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए और उनकी लाइफ से जुड़े हुए हर मोटिवेशनल फैक्ट्स और उनकी पूरी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी को आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। मोहम्मद सिराज का जन्म हुआ था 13 मार्च 1994 हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में। उनके फादर का नाम है मोहम्मद गाउस और उनकी मदर का नाम शबाना बेगम। उनका एक भाई भी है और उनका नाम है मोहम्मद इस्माइल। तो गाइस, मोहम्मद सिराज एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका फादर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और घर की परिस्थितियां खराब होने पर उनकी माँ दूसरों के घर जाके नौकरानी का काम भी किया करते थे। मोहम्मद सिराज को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो अपने स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेला करते थे और इसकी वजह से उसका रिजल्ट भी बहुत ख़राब आता था, जिससे उसको उनके पेरेंट्स से डांट भी पड़ती थी। लेकिन मोहम्मद सिराज के बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल को अपने छोटे भाई के अंदर का टैलेंट बहुत पहले ही दिख चुका था, इसलिए वो हमेशा अपने छोटे भाई को क्रिकेट खेलने के लिए अप्रिशिएट करता था। ऐसे ही दिन बीतता रहा और 2015 में उनके एक दोस्त ने मोहम्मद सिराज को हैदराबाद चार मीनार क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने के लिए उनको न्योता दिया और उन्होंने उस न्योता को एक्सेप्ट करके हैदराबाद चार मीनार क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। और उस टीम से खेलते हुए उन्होंने इतना बेहतर परफॉर्म किया, उनका नाम स्टेट अंडर 23 प्लेयर्स के अपकमिंग लिस्ट में आने लगा। 15 नवंबर 2015 में उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट रेंज मैच खेला, लेकिन ये इतना खास नहीं रहा। फिर भी उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है 2016 से, जबकि उन्होंने अपना सेकेंड रेंज मैच खेला हैदराबाद टीम की तरफ से और इस दौरान उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले और 9 मैचेस में उन्होंने टोटल 41 विकेट लेकर वो हैदराबाद की लीडिंग विकेट टेकर में से एक बन गए। और इसी दौरान IPL की होस्टेस का भी नज़र इनके ऊपर पड़ गया। इसके बाद 2017 के IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से उनको 2,60,00,000 रुपए में खरीद लिया गया, जबकि उनकी बेस प्राइस थी सिर्फ 20,00,000 रुपए। फिर भी उनको इतने महंगे दाम में खरीदना उनके लिए एक बहुत ही ओहदे की बात थी। उन्होंने इस IPL मैच में टोटल 6 मैचेस खेले और 6 मैचेस के दौरान उन्होंने टोटल 10 विकेट लिए। नवंबर 2017 में उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेले, जो कि T20 मैच था और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच खेला था। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ की दर्द भरी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। वो 2021 की T20 मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिन बाद ही उनको पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। वो चाहते तो वापस तो आ सकते थे, लेकिन उनके पिता का ही सपना था कि वो इंटरनेशनल मैच खेले और इसीलिए वो वापस नहीं आए। और उस मैच के दौरान उन्होंने इतना बेहतर परफॉर्म किया कि उनकी परफॉर्मेंस ने हर एक इंडियन के दिल में जगह बना लिया और इसी से वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक हीरो भी बन गए। गाइस, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं वो या तो किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेते या फिर किसी कोच से कोचिंग लेते, लेकिन मोहम्मद सिराज एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ना तो कभी किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग की है और ना ही कभी किसी कोच से कोचिंग लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने के लिए अवसर चाहिए, चीज़ें चाहिए, वे सिर्फ बहाना है। अगर आपको सही में किसी चीज़ को करना है, आपके अंदर अगर सच में चाहत है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर सिर्फ एक सच्चा चाहत और हौसला होना चाहिए। तो चलिए अब हम उनकी बात कर लेते हैं मंथली इनकम और नेटवर्थ के बारे में। तो उनकी मंथली इनकम है 60,00,000 रुपये और उनकी नेटवर्थ है 47 करोड़ रुपए से भी ऊपर। और अगर हम बात करें उनकी कार कलेक्शंस की, तो उनके पास नंबर 1 पे है महिंद्रा SUV
और नंबर टू पे है BMW और नंबर थ्री पे है महिंद्रा थार। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।